इस वीडियो में हम लोग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन देखेंगे, यानी कि ओवरमैन के कर्तव्य और जिम्मेदारियां। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो रेगुलेशन नंबर 47 ऑफ सीएमआर 2017, जो रेगुलेशन 47 है, इसी में ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन दिया गया है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कभी 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 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि ड्यूटीज ऑफ ओवरमैन कौन से रेगुलेशन में दिया गया है। हम याद रखेंगे रेगुलेशन नंबर 47 में दिया गया है, सीएमआर 2017, यानी कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017। तो रेगुलेशन नंबर 47 का जो सब रेगुलेशन 1 है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं तो ये भी देखते हैं। ये है रेगुलेशन नंबर 47 का सब रेगुलेशन 1। ये क्या बोलता है? द ओवरमैन शल सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर ऑफिशियल्स। ओवरमैन के पास किसका ऑर्डर रहेगा? उसके सुपीरियर ऑफिशियल्स का, यानी कि मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का, उनका वो ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। उनके ऑर्डर्स के तहत उसके पास क्या रहेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी रहेगा, चार्ज रहेगा और कंट्रोल ऑफ सच पार्ट ऑफ द माइंड, एंड शल कैरी आउट सच ड्यूटीज एज मे बी असाइन टू हिम बाय द मैनेजर। तो ओवरमैन उस पार्ट ऑफ द माइंड में उस प्रकार का ड्यूटी करेगा जैसा उसको मैनेजर साहब असाइन करेंगे। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनता है कि ओवरमैन को ड्यूटीज कौन असाइन करता है, किसके पास पावर है ओवरमैन को ड्यूटीज असाइन करने का? तो वो है मैनेजर। सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? द ओवरमैन शल, ओवरमैन क्या करेगा? तो व्हाइल ऑन ड्यूटी कैरिंग ए ट्रेसिंग ऑफ द वर्किंग्स ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट एंड शल कीप द ट्रेसिंग अप टू डेट। ओवरमैन क्या करेगा? ड्यूटी के दौरान उसका जहां पर उसको वर्क असाइन किया गया कि हाँ ये पूरा माइंस है, तो माइंस का ये जो डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है यहाँ पर आप काम करेंगे, यहाँ पर आप देख रेख करेंगे। तो ओवरमैन क्या करेगा? जहां पर उसका काम है ये डिस्ट्रिक्ट का, तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का क्या करेगा? वो ट्रेसिंग रखेगा। ट्रेसिंग क्या होता है? एक छोटे से कपड़े पे उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्लान रहता है कि कहाँ तक वर्किंग हो गया, फिर आगे हमको कैसे वर्किंग करानी, ये सब सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है। और वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा? उस ट्रेसिंग को अप टू डेट भी करता जाएगा। मान लीजिए ये पिलर था, इसके आगे वर्क प्रोसीड हो गया और बन गया, ठीक है, फेस, तो उन सबको वो ट्रेसिंग पे अप टू डेट भी करेगा। इन हिज डिस्ट्रिक्ट मेक द इंस्पेक्शंस एंड रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय दिस रेगुलेशंस। तो ओवरमैन को जो पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट असाइन किया जाएगा कि आप इस डिस्ट्रिक्ट का देख रेख करेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में ओवरमैन क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा और इंस्पेक्शन के हिसाब से एक रिपोर्ट भी तैयार करेगा। जैसा जैसा उसको जरूरत है उस हिसाब से वो रिपोर्ट भी तैयार करेगा। इंश्योर दैट द सबोर्डिनेट ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटेंट पर्सन्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट कैरिंग आउट देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज इन ए प्रॉपर मैनर। अब है कि ओवरमैन के अंदर जो उसका सपोर्टिंग स्टाफ है, जो उससे जूनियर स्टाफ है और जो तरह तरह के कॉम्पिटेंट पर्सन उस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो ओवरमैन की जिम्मेदारी है कि वो देखेगा कि वो अपना काम प्रॉपर मैनर में ठीक तरीके से कर रहे हैं। तो किसको ओवरमैन देखेगा? उससे जो जूनियर स्टाफ है और जो कॉम्पिटेंट पर्सन उस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब कि अलग अलग टेक्नीशियन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ठीक से उस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं कि नहीं। इंश्योर दैट द माइनिंग ऑपरेशंस इन द पार्ट ऑफ द माइंड असाइंड टू हिम अंडर सब रेगुलेशन 1 आर कैरीड आउट एज पर कोड ऑफ प्रैक्टिसेस फ्रेम्ड अंडर दिस रेगुलेशन। तो ओवरमैन इंश्योर करेगा कि ये सब रेगुलेशन 1 के अंदर जो जो ड्यूटीज उसको कैरी आउट करना है वो सही तरीके से कैरी हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। द ओवरमैन शल टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर इनफोर्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो ओवरमैन क्या करेगा? टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर, यानी कि जितना उसके अधिकार क्षेत्र में है उतना इनफोर्स करेगा, यानी कि लागू करेगा प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी माइंस एक्ट का जो प्रोविजंस है, काम के अराउंड फेस के कितना ऊंचाई रहेगा, कैसे वर्किंग होगा, उन सब का जो प्रोविजन है माइंस एक्ट का, माइंस रेगुलेशन का, सीएमआर का, और उसको जो आदेश दिया गया वो उन सबको क्या करेगा? ठीक तरीके से लागू कराएगा।
और उस रेगुलेशंस को लागू कराने का मेन उद्देश्य क्या है, टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ताकि वो जो डिस्ट्रिक्ट क्या है एक पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द माइन है जहाँ वर्किंग हो रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में सेफ्टी बने रहे और जो पर्संस वहां काम कर रहे हैं वो उनका भी सेफ्टी बना रहे और वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन में काम करें। द ओवरमैन शल सी दैट सफिशियंट सप्लाईज ऑफ टिम्बर सपोर्ट मटेरियल्स प्रैक्टिस टूल्स एंड टैकल्स अप्लायंसेस एंड अदर नेसेसरीज रिक्वायर्ड फॉर द सेफ वर्किंग ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट आर केप्ट एट ए कन्वीनियंट प्लेसेस देयरिन। और ओवरमैन ये भी इंश्योर करेगा, इस चीज को भी देखिएगा कि सफिशियंट सप्लाई, मतलब जो जो उसको जैसे कि प्रॉप लग रहा है, कॉग लग रहा है, सपोर्ट लग रहा है, ब्रिक्स लग रहा है, जो भी टूल्स लग रहा है, जो भी अप्लायंसेस लग रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट में अच्छे तरीके से सेफली वर्किंग करने के लिए उसका सफिशियंट सप्लाई में वो कहीं डिस्ट्रिक्ट के पास में ठीक से स्टोर है कि नहीं, यानी कि सारे सामान सफिशियंट मात्रा में है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो वो इंश्योर करेगा कि वो सामान का सप्लाई हो ताकि डिस्ट्रिक्ट को हम लोग क्या कर सकें, सेफली वर्क कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं द ओवरमैन सेल, फिर है कि ओवरमैन और क्या क्या करेगा, तो और भी बहुत सारे कर्तव्य हैं। देखिए, इंश्योर दैट एवरी एयर क्रॉसिंग स्टॉपिंग डोर ब्रैटिस एंड अदर वेंटिलेशन डिवाइस इज मेंटेन्ड इन गुड ऑर्डर। तो एक ओवरमैन देखिए उस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए ही जिम्मेदार होता है जिसमें उसको वर्क असाइन किया गया है, उसकी जिम्मेदारी पूरे माइंस की नहीं होती। तो उसके डिस्ट्रिक्ट में जहां तक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो चेक करेगा कि जो भी वेंटिलेशन कंट्रोल डिवाइसेस है, जैसे एयर क्रॉसिंग है, स्टॉपिंग्स है, वेंटिलेशन डोर है, ब्रैटिस क्लॉथ है और भी जो बाकी वेंटिलेशन डिवाइसेस है वो अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया जा रहा है। यानी अब जैसे मान लीजिए डोर है तो डोर खराब ना हो गया हो, टूट फूट ना हो गया हो, ये सबको देखने की जिम्मेदारी किसकी है, ओवरमैन की। इंश्योर डेट द वेंटिलेशन इज इफेक्टिव इन हिज डिस्ट्रिक्ट, और इंश्योर क्या करेगा कि इफेक्टिव वेंटिलेशन हो रहा है, यानी कि सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर उसके डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच रहा है ताकि वर्कर्स जो वहां काम कर रहे हैं वो सेफली वर्क कर पाए और कोई भी गैसेस जो उसका सेफ परसेंटेज है उससे ऊपर ना जाए। इंश्योर दैट वेंटिलेशन इज इफेक्टिव इन डिस्ट्रिक्ट एंड व्हेन ब्रैटिसेस और एयर पाइप्स और डक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर द वेंटिलेशन ऑफ द वर्किंग प्लेसेस ही शैल सी दैट दे आर केप्ट सफिशिएंटली एडवांस सो दैट एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर रीचेस एवरी सच वर्किंग प्लेस। अब क्या है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, वर्किंग फेस है ना। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे ब्लास्टिंग होता है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हुआ तो ये इतना सा एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर अगले राउंड में इतना एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर अगले राउंड में, यानी कि फेस क्या होता है आगे बढ़ते जाता है, फेस एडवांस करता है। तो ओवरमैन ये भी देखेगा कि जो वेंटिलेशन पाइप्स, यहाँ हम लोग फेस पे क्या करते हैं कि एक्सप्लोजिव के गैसेस को निकालने के लिए एक वेंटिलेशन पाइप को एक्सटेंड किए रखते हैं, है ना, जो ऑक्सिलरी फैन से कनेक्टेड रहता है और वो इधर से क्या करता है, एयर सप्लाई करता है। और ऐसे भी जब यहाँ वर्कर्स काम करते रहते हैं तो एयर यही इसी पाइप से आता है। तो ये ओवरमैन देखेगा कि मान लीजिए अभी पाइप यहाँ तक था तो अगला राउंड ऑफ ब्लास्टिंग के बाद ये पाइप एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं, ये पाइप एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं, ताकि सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ एयर वर्किंग फेस तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट देखिए, हैव पावर टू सेंड आउट ऑफ द माइन एनी पर्सन अंडर हिज चार्ज हु इन्फ्रिंजेस और अटेम्प्ट्स टू इन्फ्रिंज एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रेगुलेशंस। तो ओवरमैन के पास अधिकार है कि जो भी आदमी काम कर रहा है माइंस में यदि वो किसी रूल या रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसको ओवरमैन चाहे तो अंडरग्राउंड माइंस से बाहर भेज सकता है, ठीक है। और फेल्स टू कैरी आउट एनी डायरेक्शन गिवन विथ रिगार्ड टू सेफ्टी एंड सर रिपोर्ट सच मैटर इन राइटिंग टू द मैनेजर। और यदि कोई आदमी जो डायरेक्शन को उसके मानने से इनकार कर रहा है, मान लीजिए सेफ्टी को लेके वो कोई डायरेक्शन दे रहा है, हाँ यहाँ पर प्रॉप लगाओ, पर कोई वर्कर मानने से इनकार कर रहा है, तो ओवरमैन के पास अधिकार है कि वो वैसे व्यक्ति को भी माइन से बाहर भेज दे और वैसे सच केसेस को वो किसको रिपोर्ट करेगा, मैनेजर को, राइटिंग में रिपोर्ट करेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो माइंस के अंदर काम कर रहा था ये सीएमआर 2017 के इस रेगुलेशन को या माइंस एक्ट 1952 के इस एक्ट को फॉलो नहीं किया, इसको क्या किया, डिसओबे किया, इस कारण हम इसको माइंस से भेजे और उस पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि माइंस के अंदर जो माइंस का सेफ्टी और माइंस के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसका भी सेफ्टी बना रहे हैं। नेक्स्ट है सब सब रेगुलेशन डी में क्या बोल रहा है, इंश्योर दैट ऑल ट्रैक्स एंड ट्रैम लाइंस आर प्रॉपरली लेड
प्लेड, ग्रेडेड, ब्लास्टेड और अदरवाइज पैक्ड। तो माइंस के अंदर बहुत सारे हॉलेज ट्रैक्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो डायरेक्ट वो हॉलेज लगा के मटेरियल को कन्वे करते हैं, या ग्रेविटी हॉलेज लगाते हैं, इनलेस हॉलेज लगाते हैं, मेन टेल रोप हॉलेज लगाते हैं। तो जितने सारे ट्रैक्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं कि नहीं, उसमें प्रॉपर पत्थर यूज किया गया है, ग्रेडेड मतलब बराबर है, तो ताकि किसी टाइप का एक्सीडेंट ना हो। फिर नेक्स्ट क्या है, सी दैट द मैन हुज ऑन द हॉलेज रोडवेज आर केप्ट सेफ, क्लियर ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्रॉपरली वाइट वास्ट। हॉलेज रोडवे क्या होता है, हॉलेज रोडवे वो रोडवे है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, माइंस ट्रैक लगाते हैं, ठीक है, ये ट्रैक लगाते हैं और इसके थ्रू इसमें ऐसे ट्रैक लगा रहता है, और इसमें क्या होता है, माइन टब्स को हम लोग लोड कर करके खींच के ले जाते हैं, ठीक है। कोई भी हॉलेज सिस्टम यूज करते हैं, जैसे डायरेक्ट रोप हॉलेज, मैंने टेल रोप हॉलेज, किसी भी चीज को यूज करके हम लोग इसको खींच के रोप की मदद से ले जाते हैं, यही हॉलेज सिस्टम है। अब क्या होता है कि नॉर्मली हॉलेज रोडवे में आम लोगों का आना जाना मना रहता है, पर फिर भी क्या होता है कि इंस्पेक्शन करने के लिए या कुछ कारण से व्यक्ति यहाँ जा सकते हैं। इनका छिपने के लिए क्या होता है, दीवार के पीछे एक छोटा सा होल बनाया रहता है, ठीक है, ये हमारे हाइट के से थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है और इसका एक फिक्स डायमेंशन होता है जो रेगुलेशन में दिया गया है। तो मेन होल क्या है कि मान लीजिए गाड़ी यहाँ से जा रही है और हो सकता है कि ये यहाँ पलट सकता है, तो जैसे ही गाड़ी जा रही है तो हमको क्या करना है, आसपास जो भी मेन होल देखे उसमें छिप जाना है। इसका फायदा क्या रहेगा, यदि ये गाड़ी पलटेगा भी तो हमको हिट नहीं कर पाएगा। मेन होल क्या रहता है कि कोयला में दीवार में एक बड़ा सा होल बनाया रहता है जिसमें एक आदमी समा सके, ठीक है। तो ये क्या देखेगा कि मेन होल प्रॉपरली सेफ है, यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और मेन होल को हम लोग व्हाइट वॉश कर देंगे ताकि हमको दूर से ही दिख जाए। नेक्स्ट देखते हैं, सब सब रेगुलेशन एफ क्या बोल रहा है, इंश्योर दैट स्टॉप ब्लॉक्स, रनअवे स्विचेस एंड अदर सेफ्टी डिवाइसेस। ये सब जब हम लोग रोप हॉलेज करते हैं तो ये स्टॉप ब्लॉक, रनअवे स्विच और बाकी जैसे मंकी कैच या डॉग कैच, ड्रॉप वार्विक, ये सब सब क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस से जब हम लोग यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, तो रोप हॉलेज में यूज करते हैं। तो देखेगा कि ये सब प्रॉपरली फिक्स्ड है कि नहीं, बैक स्टे ठीक से लगा है कि नहीं, और सफिशियंट सप्लाई ऑफ सुटेबल स्प्रैक्स इज प्रोवाइडेड व्हेन टब्स आर लोडेड ऑन ए ग्रेडियंट और लोअर्ड ऑन ए ग्रेडियंट बाय हैंड। तो ये सेफ्टी डिवाइसेस का मेन पर्पस क्या है कि जब हम लोग टब्स में भर के हॉलेज को ले जा रहे हैं, ठीक है, कोल को सपोज टब्स में भर के रोप हॉलेज की मदद से ले जा रहे हैं, तो ये सेफ्टी डिवाइसेस का काम क्या, मान लीजिए किसी तरह से रस्सी टूट जा रहा है तो ये टब्स क्या हो, यहीं पर रुक जाए, ये पीछे जा करके और एक्सीडेंट ना करे, सेफ्टी डिवाइसेस का यही काम है। और क्या होता है कि जैसे ये टब्स है, इसको जब हम लोग लोड अनलोड किए रहते हैं तो ये घूम के इधर उधर ना चल जाए, तो इसके चक्के में हम लोग क्या करते हैं, आयरन का रॉड फंसा देते हैं, तो उसी को स्प्रैग बोल रहे हैं, कि जब भी लोडिंग अनलोडिंग करते हैं या फिर ये ग्रेडियंट पे खड़ा रहता है तो हम लोग चक्के में लोहे का रॉड फंसा देते हैं जो इसके एक्सल को जाम कर देता है, इस कारण ये पीछे नहीं आ पाता। नेक्स्ट है जी में, स्टॉप द यूज फोर्थ विथ इफ यू फाइंड्स एनी ऑफ द रोप चेन सिग्नल्स ब्रेक्स जिग व्हील्स एंड पोस्ट और अदर एपरेटस इन यूज इन हिज डिस्ट्रिक्ट टू बी इन ए अनसेफ कंडीशन। तो इमीडिएटली जो रोप हॉलेज को है उसको ओवरमैन के पास अधिकार है कि वो तत्काल उसको बंद करा दे, यदि वो पाता है कि कोई भी रस्सा, चेन, सिग्नल, ब्रेक, जिग व्हील या कोई भी पार्ट ऑफ रोप हॉलेज अगर उसको लगता है कि डैमेज है, तो ओवरमैन के पास पावर है कि वो इमीडिएटली रोप हॉलेज से ट्रांसपोर्टेशन बंद करा सकता है। इंश्योर दैट एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन एंड रिपेयर एवरी पर्सन अदर देन एन ऑफिशियल और ए हॉलेज अटेंडेंट ट्रेवल्स बाय द ट्रेवलिंग रोडवे। तो माइंस में दो तरह का रोडवे होता है, एक ट्रेवलिंग रोडवे होता है, दूसरा होता है हॉलेज रोडवे। ट्रेवलिंग रोडवे रहता है जहां से आदमी आए जाए, और हॉलेज रोडवे वो होता है जहां से क्या हो, हमारा लोडेड टब्स जिसमें कोयला भरा हो या मटेरियल भरा हो वो आए जाए, है ना। हॉलेज मतलब मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेवलिंग रोडवे मतलब आदमी के आने जाने के लिए। ये ओवरमैन देखेगा कि हर व्यक्ति क्या करे, ट्रेवलिंग रोडवे से आए जाए, कोई भी व्यक्ति हॉलेज रोडवे से ना आए जाए। पर कुछ कुछ लोगों को ओवरमैन छूट दे सकता है, जैसे मान लीजिए कोई इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है
कोई एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, कोई रिपेयर के लिए जा रहा है, या कोई हॉलेज अटेंडेंट है, उनको बस छूट दे सकता है कि आप हॉलेज रोडवे में जाओ, कुछ इंस्पेक्शन करना, रिपेयर करना उसके लिए, बाकी सारा व्यक्ति ट्रेवलिंग रोडवे को यूज करे। नहीं तो क्या, हॉलेज रोडवे यूज करेंगे तो उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। गिव प्रॉम्प्ट अटेंशन टू द रिमूवल ऑफ एनी डेंजर ऑब्जर्व और रिपोर्टेड टू हिम एंड सी दैट द डेंजरस प्लेसेस आर एडिक्वेटली फेंस्ड ऑफ। अब क्या है कि ओवरमैन पूरे फेस को, डिस्ट्रिक्ट को, रोडवेज को इंस्पेक्शन करेगा और कहीं ओवरमैन को खतरा दिखाई देता है या कोई व्यक्ति आके बताता है ओवरमैन को कि ओवरमैन साहब यहाँ पर खतरा है, तो ओवरमैन तत्काल उस जगह को क्या करेगा, ध्यान देगा और उस डेंजरस प्लेस को फेंस कर देगा, फेंसिंग लगा देगा, मतलब उसके चारों ओर बार्ब्ड वायर्स लगा देगा ताकि उस खतरनाक जगह में कोई गलती से ना चला जाए। नेक्स्ट जे में क्या है कि ओवरमैन देखेगा कि सिर्फ अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप ही बिलो ग्राउंड यूज हो रहा है। फिर सब रेगुलेशन 6 में क्या बोलता है, ये ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में बोल रहा है कि ओपन कास्ट वर्किंग में मान लीजिए कोई ओवरमैन काम कर रहा है तो उसका क्या क्या कर्तव्य रहेगा। तो सबसे पहला है साइड्स ऑफ बेंचेस आर केप्ट प्रॉपरली ड्रेस्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं ओवर कास्ट, ओपन कास्ट में क्या होता है, ऐसे बेंच बना के हम लोग वर्क करते हैं, तो ओवरमैन देखेगा जैसे भी बेंच नया फॉर्म हुआ है, वो कोल बेंच हो सकता है, वो भी बेंच हो सकता है, तो साइड्स में क्या होता है मटेरियल ऐसे वैसे लटके रहते हैं, तो उसको प्रॉपर ड्रेसिंग करते, नहीं तो बाद में क्या होगा, कोई मशीन उधर काम कर रहा है उसके ऊपर मटेरियल गिर सकता है जो लटक रहा था। तो बेंचेस का प्रॉपर ड्रेसिंग हो, ये ओवरमैन देखेगा। फिर बेंच का प्रॉपर स्टेबिलिटी बना रहे, इसको भी देखने का काम किसका है, ओवरमैन का है ना, कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंच इंडेंजर्ड मतलब खतरे में ना आ जाए, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंच बना रहे। फिर है हॉल रोड्स। हॉल रोड्स वैसा रास्ता होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मूव करते हैं ना, तो हॉल रोड्स प्रॉपरली मेंटेन ट्रक्स है, डंफर्स है, वो हॉल रोड से ही आता जाता है। फिर क्या है ओबी डंप, जो हम लोग ओबी डंप मतलब जो ओबी निकालते हैं ओवरबर्डन, उसको ले जाके एक जगह हम लोग डंप करते हैं, तो उसका भी रेगुलेशन में दिया गया है कितना स्टेबिलिटी होना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, तो वो सब सबको ओवरमैन चेक करता रहेगा ताकि ओबी डंप का स्टेबिलिटी बना रहे। अगर ओबी डंप अनस्टेबल होता है तो कभी कभी क्या होता है, वो वहां से मटेरियल स्लाइड करके वर्किंग फेस में ही आके गिर जाता है, जिस कारण अंदर बैठे या मशीन सब दब जाता है, बड़ा एक्सीडेंट होता है यदि ओवरबर्डन का जो डंप होता है उसमें फेलियर होता है, तो ओवरमैन उसको देखता रहेगा कि ये स्टेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट है देर इज नो ओवर क्राउडिंग ऑफ मैन एंड मशीनरी एट द वर्किंग फेसेस। तो जहां पर काम हो रहा हो वहां पर आदमी या मशीन का ओवर क्राउडिंग मतलब जरूरत से ज्यादा लोग या जरूरत से ज्यादा मशीन जहां पर काम हो रहा है वहां पर खड़ा नहीं रहेगा, इसको भी ओवरमैन इंश्योर करेंगे। फिर है कि जहां पर काम हो रहा है वहां पर सफिशियंट लाइट रहे, इसको भी कौन ध्यान देगा, तो उसको भी ओवरमैन ही देखेगा। एडिक्वेट प्रिकॉशंस एज लेड डाउन इन दिस रेगुलेशंस आर टेकन बिफोर ब्लास्टिंग ऑपरेशंस इज कंडक्टेड। अब फिर जैसे कि ब्लास्टिंग होना है बेंच का, तो उसके पहले जो जो सावधानियां हमको लेनी है, प्रिकॉशन लेनी है, वो सब लिया जा रहा है कि नहीं, वो भी देखना काम है ओवरमैन का। ऑल मशीनरी एंड प्लांट्स आर ऑपरेटेड इन सेफ एंड सिक्योर मैनर, यानी कि जितने भी मशीन्स चल रहे हैं ओपन कास्ट वर्किंग में, या जो भी प्लांट है, स्क्रीनिंग प्लांट हो सकता है, क्रशिंग प्लांट हो सकता है, वो सब सब एक सेफ मैनर में चलाया जा रहा है कि नहीं, इसको भी ओवरमैन देखेंगे। सब रेगुलेशन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द ओवरमैन शल डिवोट द होल ऑफ हिज टाइम टू हिज ड्यूटीज एंड विजिट ईच वर्किंग प्लेस इन हिज डिस्ट्रिक्ट एज ऑफन एज मे बी नेसेसरी और पॉसिबल। यानी कि ओवरमैन पूरे टाइम कहाँ रहेंगे, अपने ड्यूटी में रहेंगे, और वो हर एक प्लेस जो उनके अंडर है उसको वो क्या करेंगे, विजिट करेंगे और देखेंगे कि वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, वहां कोई खतरा तो नहीं है। ओवरमैन बिना किसी जस्टिफाइड कारण के, यानी कि जस्टिफाइड मतलब इसको वो सही ना ठहरा सके, बिना किसी जस्टिफाइड कारण के वे अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक उन्होंने अपना पूरा इंस्पेक्शन पूरा नहीं कर लिया, और जब तक उनको रिलीव करने के लिए उनके बदले कोई दूसरा सेफ
सब्स्टिट्यूट ना आ जाए वो छोड़ के अपने डिस्ट्रिक्ट को नहीं जाएंगे, यानी कि फुल टाइम वो रहेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, और जब उनको जाना होगा कहीं तो वो किसी और व्यक्ति को चार्ज दे के जाएंगे या कोई और व्यक्ति उनको आके रिलीव करेगा, तभी वो कहीं जा सकते हैं। इफ द माइन इज वर्किंग इन ए कंटिन्यूअस सक्सेशन ऑफ शिफ्ट, कन्फर विद द ऑफिशियल सक्सीडिंग हिम एंड गिव हिम सच इन्फॉर्मेशन एज मे बी नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट एंड पर्संस। मान लीजिए शिफ्ट वन में ओवरमैन ए था, है ना, फिर शिफ्ट टू में क्या हो गया, ओवरमैन बी आया, तब तक क्या हुआ है, ओवरमैन ए का काम खत्म हो गया है। तो ओवरमैन ए शिफ्ट टू वाले ओवरमैन बी से बात करेगा और डिस्ट्रिक्ट के सेफ्टी को मनाने के लिए, यानी मान लीजिए सबको सपोर्ट नहीं लग पाया, इनका टाइम खत्म हो गया, तो ये तत्काल ओवरमैन बी जो इनको रिलीव करने के लिए आएंगे उनको सूचित करेगा कि फेस पे तुरंत यहाँ पर क्या कीजिएगा, सपोर्ट लगवा दीजिएगा, क्योंकि अभी जस्ट जस्ट ब्लास्टिंग हुआ है। तो जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन रहेगा जो अगले शिफ्ट के लिए जरूरी है ताकि सेफ्टी बना रहे, वो इनको ओवरमैन ए ओवरमैन बी जो सेकेंड शिफ्ट में आ रहे हैं उनको जानकारी प्रदान करेंगे। सब सब रेगुलेशन डी क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट, यानी ओवरमैन अपने शिफ्ट के अंत में रिकॉर्ड इन ए पेस्ट बाउंड बुक, एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे कि वो सब परफॉर्मेंस कैसा रहा, शिफ्ट में कितना राउंड ब्लास्टिंग हुआ, कितना एक्सप्लोजिव यूज हुआ, सारा चीज जो जनरल है उसको रिकॉर्ड करेंगे, और कहीं कोई सेफ्टी में चूक हो रहा है, कहीं कुछ और करना है, तो उन सबको भी क्या करेंगे, ओवरमैन उस रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू। यही है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार देखेंगे।